तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, यहाँ पे ट्रिगर इंसान ने पोक किया एलविस यादव को, भी एकदम ब्रूटल वाला। बट गाइज, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वीक बॉस मीटर पे फूक रहा है इंसान और एलविस यादव को कितने लोगों ने सपोर्ट करा। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं एलविस यादव के लिए 1.5 मिलियन लोगों ने ट्वीट करा, वहीं पे फूक रहा इंसान को लेकर 1.2 मिलियन लोगों ने ट्वीट करा। तो गाइज, 4 बजे के अंदर तक ही आप लोग आज ट्वीट कर सकते हो। तो जिन्होंने तक ट्वीट नहीं किया, जाकर अपने फेवरेट कॉन्टेस्टेंट को ट्वीट करो। तो चलिए गाइज, बात कर लेते हैं ट्रिगर इंसान एंड एलविस यादव को लेकर। तो गाइज, यहाँ पे ट्रिगर इंसान का ट्विटर स्पेस का एक ऑडियो लीक हुई है, जहाँ पे ट्रिगर इंसान फूक रहा इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पे एलविस यादव आर्मी को कह रहे हैं कि फूक रहा तो मेरा अपना सगा भाई है, तो मैं फूक रहा को सपोर्ट क्यों नहीं करूं? जब तुम्हारा एलविस अपना फेवरेट क्रिएटर है, तब उसे तुम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो फूक रहा तो मेरा अपना सगा भाई है, तो मैं सपोर्ट क्यों नहीं करूं? एंड फिर वहीं पे कहे कि जब बिग बॉस की लास्ट वीक होगी, तब मैं भी ऑडियंस की पावर दिखा दूंगा, मेरे भी 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एंड उन्होंने और भी बहुत कुछ कहे, सो आप एक क्लिप सुनिए। लोग बहुत स्ट्रेस लेते हो भाई, इस वजह से तुम लोग स्टोरीज वगैरह में भी कई बार काफी ऑफेंसिव हो जाते हो। काफी सारे लोग हैं जो ऐसी बातें लिख देते हैं स्टोरीज में जो सही नहीं है भाई। तुम लोगों को कुछ नहीं पता भाई, मैं अपने भाई के लिए क्या कर रहा हूँ। मेरे को स्टोरीज में टैग करते हैं भाई, आप भी तो कुछ करो अपने भाई के लिए। Are you guys for real? मैं 25,000 लोगों के बीच में लिटरली मरते मरते बचा हूँ। मुझे पता है उस मीटअप में मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है? यू गाइज हैव नो आइडिया। वो मीटअप मेरी चॉइस नहीं थी, अभिषेक की टीम ने वो मीटअप करवाया मेरा टू सपोर्ट हिम। तो मैंने वो मीटअप उसके लिए किया, अपने लिए नहीं किया। मैंने आज तक कभी मीटअप नहीं किया। IIT एंड IIIT डोंट काउंट बिकॉज वो कॉलेज फेस्ट थे, दे वर नॉट मीटअप्स। This was the first meetup in my life that I did to support my brother. उसके बाद अगले ही दिन without sleep मम्मी को मुंबई लेकर गया ताकि बिग बॉस के घर के अंदर वो जा सके। नो मुझे कब क्या करना है उसको जितवाने के लिए, मुझे भी स्टोरीज में थोड़ा सा वो दिया करो मेंटल पीस। कभी कभार स्टोरीज बुरी लग जाए, लेकिन सामने वाले को ये मत लगने दो कि भाई उसके लिए कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है। लेट देम बी, लेट देम थिंक कि भाई ये तो कुछ नहीं है भाई। आई हैव सीन पीपल जो लाइव स्ट्रीम में बैठ के ना ये बोल रहे होते हैं भाई अगर वोटिंग में आएगी फिर तो कोई हरा ही नहीं सकता। एंड आई एम लाइक, हाँ हम तो भाई गधे हैं, हम तो गधे हैं। ऑडियंस तो सारी तुम्हारे पास ही है, हमारे पास तो बिल्कुल है ही नहीं, कोई ऑडियंस ही नहीं है। सो चिल गाइज, आई नो कि अगर मैं लाइव स्ट्रीम में बैठ के अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डालूंगा, बोलूंगा लोगों को करने के लिए, पीपल जो हमारे साथ है, द पीपल हु फॉलो अस, हमारे सब्सक्राइबर्स, दे आर एक्चुअली, एक बात मैंने पहले भी बोली थी, बहुत प्यार से बनाई हुई ऑडियंस है ना, तो वो इसीलिए किसी और को जाके हेट नहीं देती। लेकिन अपने को सामने से बहुत मिल रही है, फॉर रियल बता रहा हूँ मैं। मेरे को अपने खुद के भाई को सपोर्ट करने के लिए बहुत हेट मिलती है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। पीपल एक्चुअली, यू नो व्हाट आर दे सेइंग, के भाई तुम इसको कैसे सपोर्ट कर रहे हो। एंड मैं बस एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ, बट देन आई एम लाइक छोड़ भाई, भाई मेरा तो सगा खून है, मेरा असली भाई है जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम्हारे तो वो सिर्फ एक फेवरेट क्रिएटर है ना जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो, मेरा तो सगा भाई है ना, तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा क्या? ऑब्वियसली। बट देन अगेन, तुम हर किसी को नहीं कुछ बोल सकते, सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। एंड इसने बोला था केक खेलने के आके तो मैं मोटिवेट करूं, तो भाई ऑलरेडी तुम लोगों ने, पांडा गैंग ने ऑलरेडी बहुत क्रेजी कर रखा है। तो हाँ, बस अभी चल मारो 3 दिन के। तो बाकी का जिस पे आप लोगों का क्या कहना है, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर से लिखिएगा। और सो गाइस, आप लोग एलविस यादव फूक रहे इंसान में किसको सपोर्ट कर रहे हो, नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।